समस्त सनातन धर्म के आज हम संत लोग एकत्रित हुए हैं सिंधी महासमिति द्वारा और समस्त सिंधी समाज द्वारा। बहुत ही ये दुखद घटना है कि हमारे पाकिस्तान के सिंध के इलाके के और बहुत जगह धर्मांतरण हो रहा है। हमारे भारत में समस्त सनातन धर्म में सबको जीने का अधिकार है अपने अपने धर्म में, लेकिन ये जो दुखद घटना हो रही है इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। और पाकिस्तान जो धर्मांतरण कर रहा है उसके लिए हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, समस्त मंत्रालयों को हमारी तरफ से विनती है कि कार्यवाही करें और धर्मांतरण के विरोध में अपनी कार्यवाही, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब समर्थ हैं और वो कार्य कर सकते हैं। हमारा समस्त सिंधी समाज और ये जो पिंपरी में घटना हुई है, हमारे 23 साल के बच्चे नौजवान को सिर्फ मामूली सी बात पर उसको जलाकर राख कर दिया गया, ये बहुत ही हमारे समाज में दुखद घटना है। और समस्त सिंधी समाज, समस्त समाज, क्योंकि हम सनातन धर्म के दायरे में आते हैं, तो समस्त मानव के प्रति ये समस्त समाजों को ये करना चाहिए कि इसका विरोध होना चाहिए। और इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और पाकिस्तान का पुतला जाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समिति के सदस्य तथा अजमेर के जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों के प्रमुख लोग आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट के ऊपर आए हैं और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन संत महात्माओं के चरणों में आगे उनको आगे रखकर हमने ये आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। हम लोगों का ज्ञापन यही है कि जो सिंध के अंदर कन्वर्जन का काम हो रहा है, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको रोका जाए, उसको राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। साथ साथ ही जो मूलचंदानी जी के साथ में पूना में जो घटना हुई है उस घटना का भी विरोध समाज ने अपनी जगह पे किया है और साथ साथ मुख्यमंत्री को दिए जो हमारी सरवाड़ के अंदर हमारी झूलेलाल मंदिर की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए और जो अजमेर में भी कन्वर्जन का जो काम हो रहा है उसको रोकथाम के लिए भी आपको सिटी मजिस्ट्रेट साहब से प्रार्थना की है कि उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एसपी साहब से जुड़कर इसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। इस जुलाई को भोपाल के अंदर सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि देश भर में धर्मांतरण व लव जिहाद की घटनाओं के साथ सिंध पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार व कन्याओं के साथ धर्मांतरण, जबरन शादी विवाह करके और इस तरीके से जो परेशानी पैदा की जा रही है उसके लिए राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन खड़ा करना है। उसी के तहत आज अजमेर में सभी समाज बंधुओं ने संतों महात्माओं के आशीर्वाद से उनकी अगवानी में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंप कर सबने मिलकर मांग की है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष उठाया जाए व जोरदार विरोध किया जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। समाज की ओर से मांग की गई है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत गंभीर होंगे। साथ ही भारतीय सिंधु सभा की ओर से देश भर से पाकिस्तान के दूतावास पर भी प्रदर्शन करके वहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। ये सारे आंदोलन की कार्रवाई समयबद्ध चरणबद्ध किए जाएंगे। आज सिंधी समाज महासमिति के तत्वधान में आज सभी संत महापुरुष मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। पाकिस्तान में धर्मांतरण हो रहा है या अजमेर या और किसी शहरों में धर्मांतरण हो रहा है उसी उपलक्ष्य में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। तो धर्मांतरण को रोककर अपने अपने समाज में हर किसी को जीने का अधिकार है, हर कोई अपने अपने समाज में जीकर अपने आनंद में जिए और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि कष्ट पहुंचता है तो तकलीफ होती है। इसलिए मेहरबानी करके उन लोगों को समझाया जाए तो किसी के भी धर्म नामांतरण में ऐसी हस्तक्षेप नहीं करें, यही हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं।